झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन को सौंप दिया है। आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन द्वारा नेतृत्व संभाले जाने के बाद आलमगीर आलम को दोबारा मंत्री पद दिया गया था। आलमगीर आलम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है। ईडी ने उन्हें इस मामले में 15 मई को गिरफ्तार किया था। बता दें कि वह 6 दिनों की ईडी रिमांड में है। आलमगीर आलम के वकील ने यह दावा किया है कि उनके खिलाफ कोई खास आरोप नहीं है, उनकी मामले में कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं है। वकील ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि ईडी उस व्यक्ति का नाम नहीं बता रही है जिसने पैसे लिया या जिसने अपराध किया। जिस जहांगीर नाम के व्यक्ति के घर से कैश बरामद किया गया है, आलमगीर आलम का उससे कोई संबंध नहीं है। जब ईडी ने रिमांड की मांग की तो आलमगीर आलम के वकील ने स्वास्थ्य का हवाला देकर इसका विरोध किया। आलमगीर आलम से ईडी ने करीब 6 घंटे पूछताछ की थी। इससे एक दिन पहले 9 घंटे की पूछताछ चली थी। यह पूछताछ उनके ऑफिस में चली थी जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आलमगीर आलम उस वक्त ईडी की रडार पर आए थे जब उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल को अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा ईडी ने संजीव कुमार के नौकर जहांगीर आलम को भी गिरफ्तार किया था। बता दें कि ईडी ने 6 मई को उनसे जुड़े एक फ्लैट में छापेमारी की थी जिसमें 32 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।